अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं डेली व्लॉग विद अफजल। तो मेरे साथ आज मनाहिल है और अलीजा है और साथ में मेरे अब्दुल रहमान भी है। आज मनाहिल की बर्थडे है और ये फुल तैयार हुई है। हम लोग अभी केक लेकर आए हैं और आपको मैं केक भी दिखाऊंगा और बाकी सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो गाइज़, मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करनी बर्थडे के लिए, रेडी होने के लिए मैंने सिर्फ चुटकी बजानी और मैं रेडी हो जाऊँगा। तो गाइज़, मैंने सूट चेंज कर लिया है। मनाहिल की सालगिरह है, ये मेरी बेटी है, प्यारी लगती है मुझे, मोहब्बत करती है मुझसे और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। यस, ये मेरा बेटा है, इसका नाम मोहम्मद सैफ खान है। गाइज, आज की जो बर्थडे है आम बर्थडे नहीं है, इसके अंदर बाकी जितने भी बच्चे होंगे उन सबको हम चैलेंज देंगे और जो उसको जीतेगा उसको एक गिफ्ट भी मिलेगा। अब्दुलरहमान, आज वाली बर्थडे में ना चैलेंज होगा, जीतोगे। हाँ। किसके साथ मुकाबला करना है? अहमद के साथ। अहमद, अब्दुलरहमान के साथ मुकाबला करोगे? 1 2 3 गो। तो गाइज, अब्दुलरहमान जो है वो जीत गया। तो गाइज, अब सबसे पहले मनाहिल की आंखों पे पट्टी बांधेंगे और बाकी सब लोग जो इसके इर्द गिर्द घूमेंगे और ये किसी एक को पकड़ेगी। 1 2 3 तो गाइज, मनाहिल ने अब्दुलरहमान को पकड़ लिया और अब आ रही अब्दुलरहमान की है। तो गाइज, अब्दुलरहमान को घुमा रहा हूँ मैं। 1 2 3 गो। अहमद पकड़ा गया। गाइज, अब्दुलरहमान का मुंह देखें कैसे टमाटर की तरह लाल हो गया है। तो गाइज, अब मैं इसको घुमाने लगा हूँ। 1 2 3 गो। ये क्या है? गाइज, ये वाला खेल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एक और चैलेंज करने वाले हैं, वो बड़ा मजे का चैलेंज होगा और इसके अंदर एक जो बंदा होगा उसकी आंखों पे हम पट्टी बांधेंगे और दो लोग उसके पीछे आएंगे और एक जो है उसको चुटकी काटेगा और दूसरा जो है उसे थप्पड़ मारेगा। फिर वो बंदा गैस करेगा कि किसने उसको चुटकी काटी और किसने उसको थप्पड़ मारे, और अगर उसने सही गैस कर लिया तो वो चैलेंज जीत जाएगा। किसने थप्पड़ मारा है? अब्दुलरहमान ने थप्पड़ मारा है। और चुटकी किसने काटी है? किसने? चैलेंज हार गई। मनाहिल जो है नाराज होकर चली गई है क्योंकि उसकी बारी थी। किसने थप्पड़ मारा है? अहमद ने। और चुटकी किसने काटी है? तो मनाहिल जो है वो चैलेंज जीत गई है। तो गाइस, शाम होने वाली है और टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो गया है, इन लोगों ने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो इन लोगों ने अच्छी खासी एंटरटेनमेंट की है। अब बारी है केक कटने की और हम सब लोग मिलकर केक काटेंगे और बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चलते हैं हम लोग केक की तरफ। सालगिरह पे इतना ज्यादा उधम मचा हुआ था और ये सुकून मॉल में मूवी एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। तो गाइस, सालगिरह जो है वो खत्म हो चुकी है और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।